नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। होली व शबे बारात त्यौहार को लेकर DRDA सभागार में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भागलपुर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व सौहार्द को कायम रखने के लिए होली व बारात को लेकर शांति व्यवस्था की बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसम्मानित से निर्णय लिया गया कि यह पर्व एकता, अखंडता और भाईचारे का प्रतीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को एकजुट होकर त्यौहार मनाना है। और बताते चले कि होली एवं शबे बारात एक ही दिन। धनंजय कुमार ने बताया है कि शांति और सौहार्द के खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की पूरी तरह चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। इस बैठक में डीएसपी प्रकाश कुमार, एसपी स्वर्ण प्रभात, एसडीओ धनंजय कुमार के अलावा दर्जनों शांति समिति की बैठक में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। एसडीओ भागलपुर सदर के अनुरोध पर जो है भागलपुर के तमाम पीस कमेटी के तमाम मेम्बरान जो है आज की बैठक में यहाँ उपस्थित हैं और प्रशासन के तमाम वरीय पदाधिकारी भी हैं। एसडीओ साहब ने चूँकि होली आपके सामने है और साथ साथ शबे बारात को लेकर आज शहर के तमाम जगहों से ये बैठक बुलाई गई है। ये परंपरा के अनुसार हर साल बैठक होती है। आप जैसा देख रहे हैं कि भागलपुर काफ़ी संवेदनशील शहर है और घटना और दुर्घटनाएं बराबर होती रहती है। उसके प्रिकॉशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सावधानी बरतने के लिए हमारे पीस कमेटी के तमाम मेम्बरानों से उनका अपना सुझाव ले रहे हैं ताकि उस पर असली जामा पहनाया जा सके। क्या करना चाहते हैं सर? अपील बस इतना है कि होली का पर्व है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री ने शराब पर अपनी पाबंदी पहले से लगा रखी है और हुड़दंग होली ना हो। होली की पर्व को लोग मनाएं, लेकिन कादो कीचड़ के साथ लोग एक दूसरे के साथ मुठभेड़ नहीं करें। जहां तक नशीले पदार्थ का सवाल है उस पर भी प्रशासन की पैनी नज़र होगी और किसी भी तरह का ऑकरेंस नहीं हो। संबद यदि जलता है तो संबद के दूसरे दिन जो शहर में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।